जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को 2 से 3 से 6 से और 9 से भाग करना सिखाने वाला हूं। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक भाग नहीं कर पाते हैं और भाग करना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें बिल्कुल बेसिक से और थोड़ी एडवांस लेवल की भाग सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये भाग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है, इसको अगर आपने नहीं देखा तो आप गलती कर सकते हैं, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो हम पहले सीखते हैं 2 से फिर 3 से फिर 6 से फिर लास्ट में 9 से। इसको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम इसको सीखते हैं। क्या करना है, हमें 2 से भाग देना है 335 को। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये दोस्त ने हमारे कमेंट करके बताया था कि सर आप मुझे ये इस सवाल का हल बताइए कि इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इधर की 335 जो पूरी संख्या नहीं देखेंगे, हम इधर की सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या देखेंगे। और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, हमारे पास 3 है। कौन सी है, 3। अब हम लोग 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 3 आ जाए या 3 से कम रह जाए, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, चलो 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, हमने 2 का पढ़ा सिर्फ 2 बार पढ़ा और 4 हमारे पास आ गया। 4 तो 3 से ज़्यादा होता है, तो हम 4 तो लिख नहीं सकते, तो 3 आता नहीं है 2 के पहाड़े में, तो 3 से कम कौन सा है, 2। तो 2 को ही हम लोग लिखेंगे। 2 कितनी बार में आया, एक बार में ना, 2 एकम 2, तो एक बार में आया तो 1 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जितनी बार में आता है उतना हम यहाँ पर लिखते हैं, और जितना आता है 2 एकम 2, 2 आया ना, 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं, हमने माइनस किया, अब 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। आप सभी लोगों को पता होगा घटाना तो आप सभी लोग कर ही लेते हैं, अगर घटाना भी नहीं कर पाते तो आप हमारे चैनल पर जाकर के घटाना भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, 3 अब उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि 1 जो है वो तो छोटा रह गया 2 से, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, तो हम अगली संख्या को उतारेंगे और अगली संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है ना, तो हम 3 को यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, अब हमने 3 को जब उतारा तो संख्या यहाँ पर बन गई 13। कितनी बन गई, 13 बन गई ना। अब हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 13 आ जाए, 13 से कम रह जाए, लेकिन 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। ठीक है, हमने 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो 14 तो 13 से ज़्यादा हो गया ना, तो हम 14 लिख नहीं सकते, और 13 तो 2 के पहाड़े में आता नहीं, तो 13 से कम कौन सी संख्या है, 12, तो हम 12 ही पढ़ेंगे। 2 6 12 कितनी बार में आया, 12 6 बार में, तो 6 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और 12 आया है तो 12 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते कर लेते हैं। चलो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास फिर से 1 बचा और यहाँ पर 2 है, इसमें इसका भाग जाएगा ना, तो हम फिर से अगली संख्या को उतारेंगे, और अगली संख्या हमारे पास कितनी है, 5। अब हमने जब 5 को उतारा तो संख्या हमारे पास बन गई 15। कितनी बन गई, 15। अब हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए या 15 से कम रह जाए, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। अगर 2 अट्ठे करते हैं तो 16, तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या है, 15 तो आता नहीं 2 के पहाड़े में, तो 2 7 14, 14 को ही हम लोग रखेंगे, क्योंकि 14 15 से कम है। ठीक है, तो 2 7 14, 7 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और 14 आया है तो 14 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आप क्या करें, आप इसमें से इसको माइनस करते हैं। चलो कर लेते हैं, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब जो 1 बचा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं इसको शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं ना, तो हमने शेषफल यहाँ पर लिख दिया, या इसी को हम लोग शेष भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जो दूसरा एग्जांपल है, 3 से में भाग देना 129 को। ठीक है, अब हम थोड़ा तेज बताएंगे, क्योंकि आपको इसमें मैं समझाया, और इसमें भी हमको समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, लेकिन आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको भी समझिएगा। ठीक है,
पहले हमने इसमें देखा था पहली संख्या कौन सी थी, तो इसमें भी देखेंगे पहली संख्या कौन सी है, एक है, लेकिन एक तीन से छोटी है, इसमें दो से तीन बड़ा था। जब यहाँ पर एक तीन से मतलब तीन जो है वो एक से बड़ा है तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि जब छोटी संख्या रहती है तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो हम फिर लेते हैं दो संख्याओं को, जब हम दो संख्याओं को लेंगे तो संख्या यहाँ पर बन गई 12। कितनी बन गई 12, तो हम तीन का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, 12 से कम रह जाए लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं तीन का पहाड़ा। तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन त्याय नौ, तीन चकू 12। कितनी बार पढ़ा हमने, तीन का पारा चार बार पढ़ा और 12 हमारे पास आ गया, ठीक है, 12 आ गया ना। तो हम 12 कितनी बार में आया, चार बार में, तो चार हम यहाँ पर लिखेंगे और 12 आया है तो 12 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, चलो कर लेते हैं। दो में से दो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, एक में से एक जाएगा तो भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब क्या है, यहाँ पर जब कुछ नहीं बचा तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, नौ है, ठीक है, नौ है। अब हम क्या करें, अब हम करेंगे ये कि तीन का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि नौ आ जाए या नौ से कम रह जाए लेकिन नौ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन त्याय नौ, तीन बार क्या ना, तीन हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना है नौ, तो नौ को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको भी इसमें से माइनस करेंगे, कर लेते हैं, नौ में से नौ जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से ये भाग भी समझ गए होंगे और ये भाग भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं ये दो भागें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा जिससे कि आप लोगों का भाग का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। चलो हम लोग इन्हें भी सीख लेते हैं जिससे कि आप लोग बिल्कुल ही भाग में पूर्ण रूप से सीख जाए, ठीक, भाग को। तो हम लोग देखते हैं, अब 6 से हमें भाग देना है 372 को, ठीक है। अब ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, इनको ध्यानपूर्वक समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पहली संख्या देखनी है, तो पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, तीन। अब तीन छोटा है, 6 बड़ा है, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम वही तरीका अपनाएंगे, जब पहली संख्या छोटी पड़ जाती है तो हम देते हैं दो संख्याओं को, और जब हमने दो संख्याओं को लिया तो संख्या बन गई यहाँ पर 37। अब हम लोग 6 का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि 37 आ जाए या 37 से कम रह जाए लेकिन 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रय 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। क्या है, 6 छंग 36 हो गया ना। अब हम लोग क्या करें, 36 अगर हम 6 सतो 42 पढ़ देंगे तो 42 तो 37 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 36 ही रखेंगे, 6 छंग 36। 6 बार गया ना, तो 6 बार यहाँ पर लिखेंगे, 36 आया तो 36 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, कर लेते हैं, चलो 7 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 छोटा रह गया, 6 बड़ा है, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तब उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास 2 है, तो 2 को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। अब जब हमने 2 को उतारा तो संख्या यहाँ पर बन गई 12। अब हम लोग 6 का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितनी दो बार पढ़ा ना हमने, तो 12 आ गया, तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और 12 आया तो 12 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, कर लेते हैं, चलो तो 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने ये भाग भी कंप्लीट कर ली या पूरी कर ली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस तरीके की भाग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा जिससे कि आप लोगों का भाग का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्या करना है, हमें 9 से भाग देना है 45-18 को, तो कैसे देंगे, वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग पहली संख्या देखेंगे, और पहली संख्या यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 9, तो 4 छोटा रह गया 9 बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तब हम लेंगे दूसरी संख्या, क्या मतलब दो संख्याओं को, जब हमने दो संख्याओं को लिया तो संख्या यहाँ पर बन गई 45, कितनी बन गई 45 बन गई ना। अब हम लोग 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 45 आ जाए, 45 से कम आ जाए लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रय 27, 9 चौक 36 और 9 बचे 45, कितना हो गया, 9 बचे 45 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, 45 आ गया, कितनी बार में आया, 5 बार में, तो 5 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 45 आया तो 45 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं, चलो 5 में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम क्या करते हैं, फिर अगली संख्या को उतारते हैं, और अगली संख्या यहाँ पर क्या है, 1 है। अब आप दे सकते हैं, यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है, भाग में क्या करना है,
जब हम नौका पहाड़ा मतलब एक है ना, तो नौका भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तब हम लेंगे दूसरी संख्या को फिर से उतारेंगे। लेकिन जब हम पहली संख्याओं दो संख्याओं को लेते तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन बाद की जब हम दो संख्याओं को लगातार उतारते हैं तो हम पहली संख्या तो ऐसे ही उतार सकते हैं, लेकिन जब दूसरी संख्या को हम लगातार उतारेंगे तो यहाँ पर हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ठीक है? आप समझ गए यहाँ पर? पहली संख्या तो हम ऐसे ही उतार सकते हैं लगातार, लेकिन दूसरी संख्या को उतारने के लिए यहाँ पर हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने जीरो बढ़ा दिया, तब हम यहाँ पर आठ उतार सकते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? अब आपको क्या करना, अब अठारह बन गया मेरे पास। अब क्या करना, हमें नौका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि अठारह आ जाए, अठारह से कम रह जाए, लेकिन अठारह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, नौ एक कम नौ, नौ दूनी अठारह, कितनी बार पढ़ा हमने? दो बार। तो दो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अठारह आया है तो अठारह को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? अब क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो आठ में से आठ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और एक में से एक जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने ये भाग भी कंप्लीट कर ली, ठीक है? तो इस तरीके से हमने चारों की चारों भागों को देख लिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।